किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत से किसानों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारी धान की फसल में भूरा माहू लग गया है, जिसकी वजह से फसल सूख रही है। कोई अच्छा उपाय बताएं जिससे भूरा माहू की रोकथाम अच्छे से हो जाए, ताकि हमारी फसल प्रभावित न हो। तो किसान भाइयों, आज हम आप लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए भूरा माहू की पहचान एवं रोकथाम कैसे करें पूरी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, मौसम के उतार चढ़ाव के चलते धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रकोप बढ़ जाता है। ब्राउन प्लांट हॉपर को ही भूरा माहू भी कहा जाता है। यह एक रस चूसक कीट की श्रेणी में आते हैं। इस कीट का वयस्क भूरे से सफ़ेद रंग का और निम्फ सफ़ेद से भूरे रंग का होता है। इसके वयस्क एवं निम्फ दोनों ही पौधे के तने से चिपक कर पत्तियों के रस चूसते हैं। अधिक रस चूसने के कारण पौधे पीले हो जाते हैं। इस कीट की वजह से पत्तियों की ऊपरी सतह पर काली फफूंदी उग जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठप हो जाती है, जिससे पौधे सूखकर मरने लगते हैं। माहू कीट का जीवन चक्र 20 से 25 दिनों का होता है। इस कीट का अगस्त के दूसरे सप्ताह से लेकर अक्टूबर तक अधिक असर रहता है। इस कीट के प्रकोप होने पर पौधे पीले होकर नीचे की ओर सूखने लगते हैं, जिससे फसल गिर जाती है। पौधों का सूखना खेत में कहीं कहीं खंडों में आरम्भ होता है और बाद में धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है, जिससे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इस कीट से बचाव के लिए नाइट्रोजन खाद का अनुशंसित मात्रा में ही इस्तेमाल करें। खेत में लगातार पानी लगाकर न रखें। भूरा माहू के प्रति सहनशील किस्मों का चयन करें। धान की फसल में भूरा माहू कीट के लक्षण दिखाई देने पर डीनोटेफुरान 20% SG कीटनाशक रसायन का 60 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। दवा का स्प्रे के समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दवा का सबसे पहले खेत के चारों तरफ छिड़काव करने के बाद ही खेत में अंदर घुसें। किसान भाइयों, इस दवा के इस्तेमाल से भूरा माहू कीट का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। यदि पत्ती पर काली फफूंदी दिख रही हो तो दवा के साथ किसी फफूंदनाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय अगस्त का महीना चल रहा है, तो इस समय भूरा माहू का अटैक होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए खेत में जब भी जाएं तो फसल की अच्छी तरह से निगरानी करें। जैसे ही इस कीट के लक्षण दिखाई दें तो उसके नियंत्रण के लिए तत्काल उपाय करें, ताकि फसल को कोई नुकसान न हो। किसान भाइयों, इस तरह भूरा माहू कीट की पहचान कर डीनोटेफुरान रसायन का इस्तेमाल करके माहू कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।